हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते हैं अपने अगला स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है पीसीबीएल लिमिटेड है। पीसीबीएल लिमिटेड की बात करें, देखिए 5.35 रुपये गिरावट के साथ 259.40 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। तकरीबन 2% की गिरावट हुई है इसमें। अभी इसमें आपका प्लान क्या रहेगा? प्लान ये रहे, देखिए बहुत दिन से एक रेंज बना रहा है। ये जो रेंज बना रहा है, ये रेंज बहुत दिन से इसी रेंज में घूम रहा है। इसी रेंज में देखिए कितने दिन से घूम रहा है। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, या ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, सॉरी, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, ब्रेक करके ऊपर जाता है कोई कैंडल, 280 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है, तभी आप उसमें एंट्री बनाइएगा। अदरवाइज थोड़ा सा इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे जाने का फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, इसी का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। बट ये देखा तो बहुत दिन से रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद जिधर भी ब्रेक करेगा, बहुत तेजी से नीचे या ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का मेन रीजन है, यहाँ पे जितने लोग सेलर होंगे, यहाँ पे जितने सेल किए होंगे, सबका स्टॉप लॉस यही 280-285 के करीब में होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो जैसे इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करेगा, ये लोग अपना पोजिशन स्क्वायर अप करेंगे, कट करेंगे, और उसकी उसी हिसाब से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर यही कैंडल ये नीचे की तरफ आ रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे डेली कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में चला आएगा। क्योंकि ये जो सपोर्ट है, ये बहुत दिन से सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है। तो देखिए सपोर्ट की तरफ का, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो जितने बाइक किए होंगे उनका पोजिशन कट होगा और बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा। तो अभी न्यूट्रल रही, जैसे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 280 के इस लेवल के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है, तो आप उसमें पॉजिटिव एंट्री लीजिए प्लस के साइड में। अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है तो आप सेल कर सकते हैं। तो इसमें यही स्ट्रेटजी अपनाइए, अच्छा रहेगा। अभी न्यूट्रल रही है क्योंकि अभी ऊपर नीचे उसी रेंज में घूम रहा है, तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें इतना ही है, मिलता है अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।